आगरा पहुंचे देवकी नंदन ठाकुर ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर मीडिया से की बातचीत। अगर ऐसी जगहों पर नमाज की अनुमति मांगेंगे तो हम करेंगे भागवत। देवकी नंदन ठाकुर जो हमारे स्थान है उन्हें भाईचारे से या कानून के सहारे हमें वापस कर दे। ये लड़ाई हमारी 353 साल से चल रही है। जब तक कोर्ट इसमें निर्णायक फैसला न दे, जब तक बहा एक पंडित जी की बहा व्यवस्था कर दी जाए जिससे बहा शिव जी की पूजा होती रहेगी। समाज को जगा सकता हूँ, शिकायत करना आपके समाज सेवी में आप लोग सब हैं। पत्रकार अगर अपनी कलम से लिख देंगे तो ये किसी शिकायत से कम नहीं होगी। मैं ये चाहूंगा, मैंने तो जैसे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। किस लिए गया हूँ? जिससे हिंदुओं को आधा अधूरा अधिकार नहीं संपूर्ण अधिकार प्राप्त, इसीलिए तो मैं गया हूँ। तो मैं जो जायज है वो कार्य मैं अवश्य करूंगा, लेकिन अपने भारतीयों को जगाऊंगा एज ए धर्मगुरु कि आपको जगना होगा। अगर अभी भी आप लोग सोते रहे, हम लोग संविधान को पालन करते हुए आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और निश्चित जारी रखेंगे। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके एक देश एक कानून, एक विवाह, एक एजुकेशन, एक ही प्रकार की पढ़ाई हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। कोई मदरसा मदरसा की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार की एजुकेशन कम से कम 12th तक सभी के लिए होनी चाहिए। जब एक प्रकार की पढ़ाई, एक कानून होगा, एक विवाह होगा, निश्चित उससे देश का भला होगा और देश आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। मदरसों के लिए जांच के भी आदेश कुछ दे देगी, जहां पर सरकारी जा रही है पहले जांच होनी चाहिए उसमें कि सही जगह जा रही है या नहीं। ये सरकार का विषय है और सरकार अपने लेवल पे इस कार्य को अवश्य सुलटाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, ताजमहल और तेजोमहल में क्या समझते हैं? देखो, अभी मैं तीनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी हालांकि दो की लड़ाई, एक की लड़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे लिए मेरे आगे दो की लड़ाई बाकी है, एक ज्ञानवापी मंदिर और एक मथुरा। इन दो की लड़ाई मुझे लड़ने दीजिए। आप सब जितने भी सनातनी हैं, हम संविधान के माध्यम से, संविधान का पालन करते हुए कानून के माध्यम से हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मैं साथ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमारा संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है वो क्या है, यतो धर्मो ततो जय सत्यमेव जयते, यही है ना। सत्य क्या है? औरंगजेब ने आक्रमण किया कि नहीं? सत्य क्या है? उसने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा कि नहीं? सत्य क्या है? उन लोगों ने हमारी भावनाओं का के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं? हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी कि नहीं? यही सत्य है ना। अगर ये सत्य है तो हमें अपने देवी देवताओं को इन लोगों की गुलामी से आजाद करना है, जिससे ये बजू न कर सकें, हमारे सिर पर हाथ न धो सकें, कुल्ला न कर सकें, पांव न धो सकें। इसके लिए हमें अपने देवी देवताओं को भी इन लोगों से आजाद कराना होगा कोर्ट के माध्यम से। तो भाई साहब, बाल निकाल में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई है, कांग्रेस के एक नेता है उन्होंने मांगी है, उन्होंने कहा कि इसमें विज्ञान से विवाद करना है। मैं चाहूंगा ये विवाद न उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर नमाज अदा करने की बात मांगेंगे तो हम हर जगह पर भागवत कथा करने का, फिर हम भी कह देंगे कि हमें जामा मस्जिद में भागवत कथा करनी है, फिर आप बताइए उचित है कि अनुचित है। तो जो प्लेस हैं उन प्लेसों को वहां रहने दिया जाए और जो हमारे आध्यात्मिक पुरातन स्थान है वो हमें कानून के माध्यम से या भाईचारे के माध्यम से वापस मिले। सर, दूसरे समुदाय का ये कहना है कि अभी तक ये मांग क्यों नहीं की है, चाहे ज्ञानवापी का हो, चाहे काशी का हो, चाहे ताजमहल का हो। कौन सी? ज्ञानवापी का मामला है, ताजमहल का मामला है, या नहीं? कौन सी मांग क्यों नहीं की गई? जो मंदिर मंदिर हमारे मंदिर नहीं, तो हमारे मंदिर है, इसमें क्या बात है? ये तो पुराना आज से लड़ाई नहीं, 353 साल पुराना लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, 353 साल पुरानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी तब तक रहेगी जब तक हमारे शिव जी को हम आजाद न करा लें। आप सबके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब तक इस केस पर निर्णायक फैसला कोर्ट न दे तब तक एक पंडित जी की व्यवस्था कर दी जाए जिससे वहाँ शिव जी का अभिषेक होता रहे, क्योंकि हमारे देवी देवता बिना पूजा के, बिना मंत्रों के उनको शुद्धिकरण नहीं हो सकता, इसलिए एक पंडित जी चाहे वो प्रशासन की देखरेख में जाएं, वहाँ पूजा करें, अभिषेक करें, ऐसी ऐसी मांग मैं आपके चैनलों के माध्यम से करता हूँ। धन्यवाद। तो वही वही मांग मैं आप सबके माध्यम से कर रहा हूँ। धन्यवाद।